सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। गाइज, अगर आप भी गाने रिमिक्स करते हो मोबाइल के अंदर और उस गाने को रिमिक्स करके YouTube पे अपलोड करते हो, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी तगड़ी होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो भी गाने रिमिक्स करते हो अपने मोबाइल के अंदर, उस गाने के ऊपर आप वीडियो कैसे बना सकते हो, यानी कि वो जो रिमिक्स गाना रहेगा आपका, उसके अंदर जो भी बीट वगैरह आएगी, जो भी मतलब बेस वगैरह आती है, तो उसका एक वीडियो बना के YouTube पे अपलोड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरह का वीडियो आप कैसे अपने मोबाइल के अंदर बना सकते हो। और ये वाली एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, आप इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो और इससे बना सकते हो वीडियो। और हाँ, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूले। तो फिर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, और ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। म्यूजिक लाइब्रेरी के अंदर जाना है और आपके सारे सारे गाने हैं जो वो आ जाएंगे, मतलब आप जो भी गाना रिमिक्स करोगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी गाना लेके आपको दिखा देता हूँ, ऐसा भी एक गाना यहाँ पे ले लेता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऐसे ही कोई भी गाना यहाँ पे ऐड कर लिया है। गाना ऐड करने के बाद यहाँ पे आप जो भी आपका गाना है उसकी लेंथ यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आपको ओके कर देना ऊपर। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे म्यूजिक भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप जाओगे तो म्यूजिक भी आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो वीडियो की साइज है वो भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको 16:9 वाला भी कर सकते हो, यानी कि आपके YouTube वीडियो के हिसाब से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आपको राइट कर देना है सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है ये भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको फोटो पे जाना है और यहाँ पे बैकग्राउंड फोटो चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर वाला फोटो चेंज करना चाहो, ये ब्लैक वाला, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है और फ्लिप का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके बता देता हूँ। मतलब यहाँ पे आप सेंटर फोटो पे जाओगे तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो फोटो है ये चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये वाला फोटो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। पीछे वाला फोटो हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे सेंटर वाले फोटो पे जाओगे तो आपका जो क्रिएट न्यू पे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, आप इसके अलावा भी आप फोटो चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो जाना है और यहाँ पे ऐसा कोई सा भी फोटो ऐड कर लेना है और राइट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो बीच का फोटो हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे स्टाइल पे जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो जितने भी जो होते हैं गाने के हिसाब से जो सेट करते हैं वो सारे सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि ये मैंने चेंज कर लिया यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये वाला चेंज हो चुका है, यानी बीट के हिसाब से आपके डीजे गाने की बीट के हिसाब से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप इनको आराम से यूज लेके आप ऐसा वीडियो बना के आपके डीजे वाला जो गाना है वो यहाँ पे सेट करके आराम से आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो या फिर कहीं पे भी ऐसे सेंड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको ये जो साइज वाला ऑप्शन है इसके अंदर आपको और भी साइज मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हो छोटी साइज भी मिल जाती है, अगर आप छोटा करना चाहो तो वो भी मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग पर जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है, यानी कि इसकी जो स्पीड है इसको कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे मूव करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो इसको जहाँ पे चाहो मूव कर सकते हो। सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आप सेक इफेक्ट भी लगा सकते हो। आप जैसे यहाँ पे सेक पे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग प्रकार का यहाँ पे सेक इफेक्ट भी लग जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ सेट करने के बाद इसको यहाँ पे राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको यहाँ पे क्वालिटी वगैरह सेट कर लेनी है आपकी, और यहाँ पे किस FPS के ऊपर आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो पे ओके कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो वीडियो है वो बनके यहाँ पे तैयार हो रही है। और गाइस, ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और गाइस, ये दो वीडियो आ रही इनको भी जरूर देख लेना, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी।